Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we start our unit number 4, that is sport and movement. And today's our topic is disorder of skeletal system. Lecture number 25, and your presenter name is Neelam. Skeletal system. The diseases that are associated to your skeletal system is known as disorders of skeletal system. Number one is the osteoporosis. It is a bone disease in adult, especially in old people. It is most often common in old women. In osteoporosis, there is a decrease in the density of bones due to loss of calcium and phosphorus. It may be due to malnourishment, lack of protein and vitamin C, lack of physical activities, or deficiency of estrogen hormone. In old age, there is decreased secretion of growth hormone, and it also led to decreased deposition of minerals in bone matrix. It is one of the functions of estrogen to deposit minerals in bone. When the reproductive cycle stops in females, not enough estrogen is secreted. So osteoporosis जो है ये एक हड्डियों की बीमारी है जो कि ज़्यादातर old age peoples में पाई जाती है. ये mostly common है women's के अंदर. males के अंदर इसकी जो ratio है या share है वो कम है. और इस disease में होता क्या है कि आपकी हड्डियों के अंदर calcium और phosphorus की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. अब ये क्वांटिटी किस वजह से कम हो सकती है? हो सकता है कि आप अपनी डाइट प्रॉपरली ना ले रहे हो, जिसमें प्रोटीन और विटामिन सी की कमी हो. इसके साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज ग्रो बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम होती जाती हैं, या आप प्रॉपरली जो है वो फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते, उस वजह से भी ये हो सकता है. और एक है फीमेल्स के अंदर हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है. क्योंकि फीमेल्स के अंदर आफ्टर 45 और 50, ऑलमोस्ट 40 और 45 के बाद जो है इनका मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन उतनी क्वांटिटी में सिक्रेट नहीं होता, जिस वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो आपको हो सकती है. इन ओल्ड एज देर इज़ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हारमोन. और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती है या आपकी एज इंक्रीज करती है, वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो सोमैटोट्रोपिन हारमोन है उसकी क्वांटिटी भी कम होती जाती है. और इस वजह से भी आपकी हड्डियों के जो मैट्रिक्स होता है उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है. और ये जो डिज़ीज़ है मोस्टली कॉमन किस में है? वुमेंस के अंदर. ये आपके पास जो है वो पिक्चर है जिसमें आपको बोन स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो आपकी बोन्स जो हैं उनकी अंदर डेपोजिशन नहीं होती, मतलब कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो पोरस हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द आर्थराइटिस. इट इज़ द सेकेंड डिजीज़ ऑफ स्केलेटल सिस्टम. इट इज़ द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और मोर ऑफ योर जॉइंट्स. अब इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है. द मेन सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस. और जिसकी वजह से उनमें स्टिफनेस आ जाती है और जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की पेन होती है, विच टिपिकली वर्सन विद एज. और ये जो डिज़ीज़ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो है इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस आर ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस. और दो जो है मोस्ट कॉमनली टाइप्स हैं इसकी आर्थराइटिस की, एक आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस है और सेकेंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस है. ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो कार्टिलेज की के अंदर जो है डीजनरेशन या डैमेज की वजह से क्रिएट होता है. द हार्ड सिलिपरी टिश्यूज दैट कवर द एंड ऑफ बोन्स वेयर दे फॉर्म अ जॉइंट टू ब्रेक डाउन. अब ऑस्टियो आर्थराइटिस किस वजह से होगा? कार्टिलेज की वजह से. और कार्टिलेज क्या होते हैं? दीज आर द हार्ड स्लिपरी टिश्यूज होते हैं दैट कवर द एंड ऑफ द बोन्स विच वेयर दे फॉर्म अ जॉइंट टू ब्रेक डाउन.
जब वो डीजेनरेट हो जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ अ डिजीज़ इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द जॉइंट, जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। बिगनिंग विद द लाइनिंग ऑफ जॉइंट, और ये आपकी जो जॉइंट्स की लाइनिंग होती हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व्स वियर एंड टीयर डैमेज टू योर जॉइंट कार्टिलेज। इसमें आपके जो कार्टिलेज हैं जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं। द हार्ड स्लिक कोटिंग ऑन द एंड्स ऑफ द बोन वियर दे फॉर्म अ जॉइंट। कार्टिलेज कुशन द एंड ऑफ द बोन्स एंड अलाउ नियरली फ्रिक्शन लेस जॉइंट मोशन, बट इनफ डैमेज कैन रिजल्ट इन बोन ग्राइंडिंग डायरेक्टली ऑन बोन विच कोज पेन एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। अब क्या होगा कि जब आपकी कार्टिलेज है, इसका काम है कि ये आपकी हड्डियों को कुशंस करते हैं, और आप जब मूव करते हैं बोन्स को तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट होती है वो ईजीली होती है। लेकिन जब आपकी ये कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी बोन्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगी और डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और उस डैमेज की वजह से आपकी जो मूवमेंट है उसमें भी रुकावट आएगी। दिस वियर एंड टीयर कैन अकर वेरी ओवर मेनी ईयर्स और इट कैन बी हेस्टेंड बाय अ जॉइंट इंजरी और इन्फेक्शन। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑल्सो इफेक्ट द इंटायर जॉइंट, इट कॉजेज चेंजेस इन द बोन्स एंड डिटेरियोशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज दैट अटैच मसल टू बोन्स एंड होल्ड द जॉइंट टुगेदर। इट ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट लाइनिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो ये आपकी इफ़ेक्ट करती है इंटायर जॉइंट को, उस वजह से आपकी बोन्स और आपकी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, जो कि आपकी बोन्स और को एक दूसरे या मसल्स के साथ अटैच करते हैं। इसके अलावा आपकी जॉइंट की लाइनिंग में क्या हो जाती है, सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट आर्थराइटिस। और ये किस वजह से होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी जॉइंट की लाइनिंग को इफ़ेक्ट करता है उस वजह से ये आपको होता है। अ टफ मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज ऑल द जॉइंट। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, अ टफ मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज ऑल द जॉइंट पार्ट। दिस लाइनिंग दैट इज सिनोवियल मेम्ब्रेन बिकम इनफ्लेम्ड एंड स्वेलन। द डिजीज प्रोसेस कैन इवेंचुअली डिस्ट्रॉय कार्टिलेज एंड बोन विद इन द जॉइंट। अब इसमें क्या होगा कि ये सीधा जाके आपकी जॉइंट की लाइनिंग को अटैक करते हैं, और जॉइंट की जब लाइनिंग को अटैक करेंगे तो जॉइंट के अंदर जो पाए जाने वाले सारे पार्ट्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और स्वेलन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो इंटायर जॉइंट का हिस्सा है या बोन्स हैं और कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द थर्ड स्केलेटल डिसऑर्डर इज द गाउट, इज अ मोस्ट कॉमन एंड कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस की जो है मोस्ट कॉमन और कम्प्लेक्स फॉर्म है, दैट कैन अफेक्ट एनी वन। इट्स करेक्टराइज बाय सडन सीवियर अटैक्स ऑफ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन द जॉइंट, ओपन द जॉइंट एट द बेस ऑफ द बिग टो। एन अटैक ऑफ गाउट कैन अकर सडनली, ओपन वेकिंग यू अप इन द मिडल ऑफ द नाइट विद द सेंसेशन दैट your big toe is on fire. The affected joint is hot, swollen and so tender that even the weight of the sheet on it may seem intolerable. Ab gout ke symptoms aur signs kya hote hain? The signs and symptoms of the gout almost always occur suddenly and often at night. ये ज़्यादातर अचानक होती हैं, इसके अब जो सिम्टम हैं वो अचानक शो होंगे या रात के वक्त शो होते हैं। Intense joint pain, gout usually affect the large joint of your big toe, but it can occur in any joint. Other commonly affected joint include the ankles, knees, elbow, wrist and finger. The pain is likely to be most severe within the first 4 to 12 hours after it begins. Lingering discomfort, after the most severe pain subsides, some joint discomfort may last from a big days to a few weeks.
लेटर अटैक आर लाइकली टू लास्ट लॉन्गर एंड अफेक्ट मोर जॉइंट्स। अब इसके कॉजेज क्या हैं? गाउट अकर व्हेन यू रेट क्रिस्टल एक्यूमुलेट इन योर जॉइंट causing the inflammation and intense pain of a gout attack. Urate crystal can form when you have high level of uric acid in your blood. Your blood produces uric acid when it breaks down purines, substances that are found naturally in your body. Purines are also found in certain foods such as steak, organ meat and seafood. Other food also promote higher level of uric acid such as alcoholic beverages, especially beer and drinks sweetened with fruit sugar. So today's our topic is about skeletal disorder, in which we discuss three disorders. First is the osteoporosis, that is mostly common in women. Second is arthritis. It is basically a joint swelling and tenderness, and its types. First is osteoarthritis, second is rheumatoid arthritis, and third is gout. And we discussed the symptoms and causes of gout. So hope you understand the topic well.